रीवा में देवनगरी देव तालाब में बेरोजगारी का महाकुंभ लगा और सम्यक अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान लाखों बेरोजगारों के साथ रोजगार के लिए मंथन किया गया कि कैसे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। देव तालाब स्टेडियम में कांग्रेस नेता डॉक्टर एस एस तिवारी की अगुवाई में सम्यक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देव तालाब स्टेडियम में कांग्रेस नेता डॉक्टर एस एस तिवारी की अगुवाई में सम्यक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समन्वयक अभियान के मार्गदर्शक भास्कर राव रुकड़े, वरिष्ठ विचारक और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीति पर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता डॉक्टर एस एस तिवारी ने कहा कि सम्यक अभियान प्रदेश के हर विधानसभा जिलों में आयोजित होगा, जिसमें 1 जनवरी 2024 को भोपाल में लाखों युवाओं के साथ भविष्य के मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसमें रिटायरमेंट की 68 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाए। इसके साथ ही समान कार्य समान वेतन श्रमिक कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ड्राफ्ट पास कराने पर चर्चा होगी। ये जो युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, जिले में और खासकर देवतालाब विधानसभा में जहां हम पूरी तरह केंद्रित हैं, तो वहां जो युवा 12वीं पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर लिए हैं और रोजगार का संकट है, उनका रोजगार की समस्या का समाधान कैसे हो और शासन की कौन से रीत नीति है जिनके कारण से युवा बेरोजगार हुए हैं और युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना कहां से बन सकती है, इस विषय पर चिंतन करने के लिए वरिष्ठ विचारक और चिंतक भास्कर राव रोकड़े जी आए हैं।